जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने शपथ ग्रहण के कुछ समय बाद ही कठुआ गैंगरेप को लेकर असंवेदनशील बयान दे दिया। कविंदर गुप्ता मीडिया को बयान देते वक्त ये बोल गए कि कठुआ मामला एक छोटी सी घटना है और इसको बार बार तूल देने की जरूरत नहीं है। कठुआ मामला छोटी सी बात है, इसको इतना तूल देनी नहीं चाहिए। जैसे ही उनका ये बयान मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो नए डिप्टी सीएम की चौतरफा आलोचना होने लगी। किरकिरी के बाद सफाई देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कहने का मतलब था कि मामले को जानबूझकर भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। केवल यही कहा है कि जो कठुआ का मामला है, जो रसाना का मामला है, वो सब जुडिशियल है, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। मुझे लगता है बार बार उस इशू को छेड़ना ठीक नहीं है। हमारा यही मानना है कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और जो उसमें दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये सारा हालात, बाकी कोई चैनल किस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके करता है मुझे नहीं। मेरे लिए वो बच्ची किसी भी व्यक्ति की हो सकती थी, मेरी भी हो सकती थी, किसी और भी हो सकती थी, इसलिए इस मामले को तूल देना मुझे लगता है अच्छी बात नहीं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी तभी से दबाव में है जब से उसके दो मंत्री लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने कठुआ में 8 साल की लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के आरोपियों के समर्थन में रैली में हिस्सा लिया था। दोनों मंत्रियों ने बाद में इस्तीफा दे दिया था। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद सरकार के रवैये पर एक बार फिर से सवालिया निशान उठ रहे हैं। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज़।